लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मुरादाबाद, डिप्टी सीएम बोले सपा का नारा खाली प्लाट हमारा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश की जनता 14 फरवरी को अखिलेश यादव को भाजपा की वैक्सीन का बूस्टर डोज लगा देगी। समाजवादी पार्टी 10 मार्च को समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। सपा में गुंडे, बदमाश और माफियाओं की भरमार है और अखिलेश यादव उनके सरदार हैं। उन्होंने सपा बसपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनके नेता प्रदेश की जनता की बजाय अपना विकास करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी जनता का विकास करती है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि प्रथम चरण के मतदान में सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा और डिप्टी सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी में गुंडे, अपराधियों और माफियाओं की भरमार है और अखिलेश यादव उनके सरदार हैं। सपा का नारा है खाली प्लाट हमारा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश से गुंडागर्दी, जंगल राज पूरी तरह समाप्त कर दिया है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की चलाई जा रही तमाम कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया। जानकारी के लिए देखिए पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। नितिन तुरैया के साथ मनोज सैनी की रिपोर्ट, मुरादाबाद। साल पहले क्या इतनी प्रबल आस्था चलती थी, क्या इतनी प्रबल आत्मविश्वास के साथ हम कहते थे जय श्री राम, नहीं कह पाते थे। ये फर्क सब में लेके जाएंगे। बहुत सूक्ष्म में मैं ये बात कहूंगी कि एक एक वोट कीमती है। 17 अप्रैल ने अटल जी की सरकार छोड़कर चुकाई थी, वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। आप सब लोग अपने घर से तो निकलेंगे, साथ अभिवादन कर रहे हैं। 2017 का चुनाव हमने माननीय केशव जी के नेतृत्व में जीता था। जब आप प्रदेश के अध्यक्ष थे, पूरे उत्तर प्रदेश को हमने माला में पूरा दिया था। 100% जीत के राज गुप्ता जी, इसके पश्चात विनोद अग्रवाल जी जो महापौर है, भारत माता की तत्काल मंच को जो मंच के लड़ रही है मंच को दे और कार्यक्रम शुरू होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश फोटो के बाद में बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। समय चुकी कम है, उत्तर प्रदेश हरे। इसके बाद शादी का बहुत बना के स्वागत करना है भारतीय जनता पार्टी महानगर संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ रवि अग्रवाल नितिन गुप्ता द्वारा। ये भगवान जी की प्रतिमा भेंट करनी है, उसे निवेदन के रूप में तत्काल ऊपर आ जाए। मैं आप सब लोगों से यह निवेदन यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आया हूँ, 2022 का चुनाव 2024 से भी जुड़ा हुआ है। 2017 से 22 तक जो आपने देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो तो टेलर था टेलर। असली फिल्म तो हम 10 मार्च 2022 के बाद दिखाने का काम शुरू करेंगे। आप सबके आशीर्वाद की ताकत चाहिए। मुझे रितेश गुप्ता जी को आप विधायक बना करके भेजेंगे, इसमें मुझे आपके सामर्थ पर कोई संशय नहीं है। मैं संशय लेकर के जाऊं भी पक्का मान करके जाऊं, बताइए जरा आप बता रहे हैं। लेकिन मैं उससे थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ करके आपसे कहना चाहता हूं कि आप रितेश जी को जिताइए, लेकिन सपा बसपा कांग्रेस से जो भी प्रत्याशी खड़े हो उनकी जमानत। उत्तर प्रदेश 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। बंटवारे में क्यों हमारा है? क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास करते समय हमने सबको एक समान समझा है। हमारी नजर में, हमारी सरकार की नजर में, हमारे नेतृत्व की नजर में गरीब गरीब एक समान है। किसान की वैक्सीन 14 तारीख को लगेगी, कमल के फूल की बटन दबा करके लगेगी। आप कमल के फूल की बटन दबाओगे सही में उनको भाजपा की वैक्सीन श्री अखिलेश यादव जी को लग जाएगी। और 10 मार्च को जब वोटों की गिनती होगी तो आप सभी के आशीर्वाद से, प्रदेशवासियों के आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके समाप्तवादी पार्टी बना दिया जाएगा। समाप्तवादी पार्टी, आप पर मुझे भरोसा है, आप हनुमान जी की तरह शक्तिशाली हो। कभी कभी अपनी ताकत भूल जाते हो, वह याद दिला। प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी गठबंधन है, ये कहते हैं नई सपा है,
अगर नई सपा है तो आपके चुनाव में भी आया था। पिछली बार विधानसभा के चुनाव में नीतीश जी के लिए अपील करके भी आया था, फिर लोकसभा के चुनाव में भी आपके बीच में आया था और आज फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में भी आया। लेकिन आप पर मुझे गर्व है कि आपने कभी मेरा सर झुकने नहीं दिया, सदा सम्मान से मेरा सर ऊंचा रखने का काम किया। तीन सौ से अधिक सीटें बीजेपी जीत रही है और इस बार मुरादाबाद में जनता का सिरसर लगाने का इरादा। सर कल प्रियंका गांधी मुरादाबाद में थी। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।